स्पाइन सर्जरी से, यानी कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन सुरक्षित है या नहीं है, इसके बारे में मेरा यही कहना है कि स्पाइन की सर्जरी यानी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन पूर्णतया सुरक्षित हैं, सेफ हैं, अगर उनको टाइम रहते किया जाए, जैसे कि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट होने से पहले किया जाए। जैसे पेशेंट्स को सर्जरी की एडवाइस की जाती है, उस समय उस पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट नहीं हुआ है, तब तो उसके सर्जरी के रिजल्ट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर वही पेशेंट उसको एडवाइस न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट होने के बाद में वो सर्जरी करवाता है, तब फिर उसमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आजकल बहुत सारी मॉडलिटीज आ गई है जिसमें हम सर्जरी को डायरेक्ट मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें पेशेंट की सर्जरी को डायरेक्ट एंडोस्कोप द्वारा मॉनिटर में वॉच करते रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जिसमें माइक्रोस्कोप द्वारा कंटिन्यूस वॉचिंग रहती है, उनके अलावा बहुत सारी स्पाइन फिक्सेशन की टेक्निक में कंप्यूटर नेविगेशन भी आ गया है, जिसमें प्रॉपर नेविगेट करके स्पाइन का फिक्सेशन किया जाता है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि पेशेंट्स को घबराना नहीं चाहिए स्पाइन सर्जरी के लिए, बशर्ते उसको टाइम रहते सर्जरी करवा लेना चाहिए। थैंक यू।